तो योद्धाओं, नया वीक स्टार्ट हो चुका है। मंडे से हम लोग फिर से रिफ्रेश मोड में आके फिर से एक बहुत तेज़ी से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। और मैंने आपको बता दूं कि 9 फरवरी 2025 को आपका प्रीलिम्स का डेट हो गया है, तो 9 फरवरी 2025 को आप प्रीलिम्स दे रहे हैं और अभी आपके पास जो समय है आप कैलकुलेट कर लीजिए। हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री गए हैं कहाँ, अमेरिका। किसके लिए? क्वाड मीटिंग के लिए। क्वाड हमारे पेपर सेवन पार्ट टू के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैंने आपको बोला था कि ये इसके मेंबर और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभी FATF के बारे में भी बताया था, ये भी हमारे लिए पेपर सेवन पार्ट टू में सिलेबस में आता है। तो उसी के साथ एक और टर्म आया है आज, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये कब बना था? 1957 में। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। और इसके क्या काम हैं और ये आपको बस पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ आपको नहीं पता चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप ये तीन ऑर्गेनाइजेशन का जो पेपर सेवन पार्ट टू में आप हम लोग पढ़ेंगे, तो ये प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप उस समय जब सिलेबस को पढ़ेंगे तब उतना आपको टफ नहीं जाएगा, जब आप इसको करंट अफेयर में ही पढ़ चुके होंगे तो वहाँ जाएंगे तो आप रिवीजन करेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, आप सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो इसलिए इन तीन ऑर्गेनाइजेशन जो इस वीक हमारे करंट अफेयर में इंक्लूड रहा, उसको आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूर पढ़ें। इसके साथ आप जब देखोगे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी का पोर्शन। पॉलिटी के पोर्शन में हमारा आज का टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसमें वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन के ऊपर मैंने एक महीने पहले डेडिकेटेड बहुत अच्छा सा लेक्चर प्रोवाइड किया था, सारे फैक्ट्स के साथ आंसर फॉर्मेटिंग को भी बताया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, फिर से मैं ग्रुप में फिर से शेयर कर दूंगा, उसको देखिए और उसको लिखिए। और बाकी जो दो पोर्शन और हैं, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, ये तीनों के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। सभी के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए। भाग 11 में 245 से 265 तक जो आर्टिकल दिया हुआ है, 63 तक, वो आपको याद होना चाहिए, सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। लक्ष्मीकांत की बुक में उतने अच्छे से आर्टिकल को एक्सप्लेन किया नहीं है, तो मैं आपको अलग से पेज में लिख के दे दूँगा, आप उस सारे आर्टिकल को याद कर लेंगे। और बाकी जो हेडिंग वाइज जैसे इसमें बुक में समझाया है, उस तरीके से ही आप समझने की कोशिश करिए आर्टिकल, लेकिन मैं आपको लिख के दूँगा, उससे ही आपको याद करना है। तो ग्रुप में आज शेयर कर दूँगा मैं, और इस तरीके से। और सेकेंड चैप्टर इसी के बाद लक्ष्मीकांत की बुक में सेंटर स्टेट रिलेशन के बाद इंटर स्टेट रिलेशन दिया हुआ है, अंतर्राज्यीय संबंध। इसमें मेंस के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग लिख लेना। अंतर्राज्यीय जल विवाद, तो अंतर्राज्यीय जल विवादों के सुलझाने के लिए एक समिति बनाया जाता है, जैसे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 262, ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 262 और 263, ये दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। अंतर्राज्यीय जल विवाद है तो 262, अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो आर्टिकल 263, अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263। यहाँ पे एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना आप, क्षेत्रीय परिषद क्या हो, हमारे देश में क्षेत्रीय परिषद भी स्थापित है, तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है आर्टिकल 263 में है, मतलब आर्टिकल में है, तो ये क्या हो गया? संवैधानिक संस्था। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो आर्टिकल 263 में है, इसका राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। तो ये संवैधानिक संस्था हो गया अंतर्राज्यीय परिषद, लेकिन जो क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद का गठन, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये होगा सांविधिक संस्था। तो आप ये डिफरेंस क्लियर रखना, ये क्षेत्रीय परिषद जो हमारे हैं देश में, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, 5 हैं, उसके साथ एक और पूर्वोत्तर परिषद आता है, टोटल 6 हो जाते हैं। तो लेकिन कानून के तहत 5 ही क्षेत्रीय परिषद हैं, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाया गया था। तो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, लेकिन इसमें बाद में अमेंड करके एक और क्षेत्रीय परिषद इंक्लूड किया गया था, वो पूर्वोत्तर परिषद था, लेकिन मेन क्षेत्रीय परिषद में ये 5 ही आते हैं, और ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, ये भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। मेंस के लिए तो हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, दोनों तीनों टॉपिक का हम लोग तीनों टॉपिक के ऊपर आंसर भी लिखेंगे मेंस के लिए। ये पॉलिटी करने के बाद छोटा सा टॉपिक है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। हमारे सीजी हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी चार दिन सीजी हिस्ट्री में रखेंगे, जिसमें दो दिन आप पढ़ेंगे और दो दिन आपका आंसर राइटिंग होगा। इस दो दिन में आप मानो कि 20 क्वेश्चन आप लिखोगे, दो दिन में मैं 10-10 क्वेश्चन करवा के मेंस के लिए पॉलिटी सीजी हिस्ट्री के आपको आंसर लिखवाऊंगा। आपको लिखने हैं, हो सके तो 25 भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी बना सकूँ तो मैं बनाऊंगा आपके लिए। और सभी को क्वेश्चन को आप जरूर लिखिए, हरी राम पटेल सर की बुक की भी रेफरेंस लीजिए, राम कुमार बिहार सर की बुक के भी रेफरेंस लीजिए, दोनों को उस टॉपिक को पढ़िए और पढ़ने के बाद भले ही देख के लिखिए लेकिन लिखिए ज़रूर। वो आपका नोट्स है, आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि आप अभी आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो चल जाएगा, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे। ये आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है और ये आपका नोट्स है और ये मतलब क्या बोलूँ मैं, ये रिक्वेस्ट बोलो ऑर्डर बोलो जो भी बोलो, लेकिन आंसर राइटिंग सीजी हिस्ट्री का ज़रूर करना है क्योंकि ये आपके नोट्स हैं जो बार बार आप पढ़ोगे और आपको वो चीज़ें याद होंगी, बुक से पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, इसीलिए आप ज़रूर अपने आंसर को लिखो। तो आज जो टॉपिक आपका छूट चुका होगा उसको आप कवर कर लेना, कल हम लोग टेस्ट लेंगे सीजी हिस्ट्री का। और हिंदी का जो पोर्शन था हम लोग जो साहित्य का साहित्य वाला पोर्शन था उसका तो आज भर में आपको पास समय है कंप्लीट कर ले, कल से नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे सीजी मतलब इंडियन हिंदी के लिए, भारतीय हिंदी के लिए हम लोग कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास विभाजन। को आज तक आप कंप्लीट कर लेना, जो मेरे नोट्स हैं लेक्चर हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे थे सब आपको टेस्ट भी लगा लेना है, इस तरीके से आप हिंदी भी कंप्लीट करोगे। इंग्लिश का आर्टिकल लेक्चर नंबर 3 है आज का टारगेट, तो लेक्चर नंबर 3 को आप देखिए, कॉपी में नोट डाउन करिए और जो भी चीज़ें हैं उसको करिए। करंट अफेयर के मैंने जितने क्वेश्चन बताया वो भी आप ज़रूर करना और बाकी चीज़ें तो एज इट इज चलेंगे एनर्जेटिक वे में। अब देखिए बहुत कम समय बचा हुआ है और हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं। 10 नवंबर तक आप बहुत स्पीड से पढ़ोगे, 10 नवंबर के बाद आप जो भी अभी तक पढ़े रहोगे उसको फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, मतलब प्रीलिम्स के लिए वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा तो आप वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।